प्रभु श्री राम लगभग 550 वर्षों के बाद अपने महल में विराजमान हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी मौजूद हैं। तिवारी जी, जानना चाहूँगा, आज प्रभु श्री राम लगभग 550 वर्षों के बाद अपने महल में विराजमान हुए हैं। 500 वर्षों की लड़ाई के बाद सनातन के हम सब के मार्गदर्शक भगवान श्री राम अपने महल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आज विराजमान हो रहे हैं। और उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री, हम सब के मार्गदर्शक माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हो रहा है, आज संपूर्ण भारतवर्ष श्री राम के जयकारों से उद्घोष है। संपूर्ण सनातन समाज आज हर्षोल्लास के साथ दीपावली का महोत्सव मना रहा है। हम सब जो अब तक कितनी लड़ाइयां लड़े, कितनी बार जेल गए, कितनी बार पुलिस के डंडे खाए और तत्पश्चात यह सफलता मिली, हम सब भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हैं, उनका वंदन करते हैं कि हमने अपने जीवन में भगवान श्री राम के दर्शन करने का, अपने भव्य आवास में जो हमको दर्शन का आनंद मिला है, हम सब संपूर्ण सनातन समाज हर्षोल्लासित हैं, प्रसन्न हैं। इतना कहते हुए जय श्री राम। तिवारी जी, जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपके परिवार का भी इस आंदोलन में, जन कार सेवा में भी एक बड़ा योगदान रहा है, तो किस तरीके की अनुभूति हो रही है, एक लंबी लड़ाई आज जीती है? छोटा सा था तो अपने पिता के साथ जाता था अयोध्या दर्शन करने, तंबू में, टेंट में भगवान श्री राम विराजमान थे। हम सब जय श्री राम नारों के उद्घोष थे और सब बचपन से नारे लगाते बूढ़ा हो गया, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो गए। तो हम सब संपूर्ण समर्थन की, संपूर्ण हिंदू समाज के आज प्रसन्न है कि हम सब अब उनके अपने नग्न आँखों से भव्य महल में दर्शन करेंगे। तिवारी जी, आज माहौल पूरा राममय है, पूरा प्रदेश क्या देश भगवामय है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत है राम मंदिर से, कुछ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग बहाने बता रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कोई बचेगा नहीं जो भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाएगा। जब तक बहाने बना लें, बहाना ये राजनीतिज्ञ बना रहे हैं, इन राजनीतिज्ञों को भगवान श्री राम सद्बुद्धि देंगे। और आप देखिएगा, वैसे तो आज राम मंदिर को आज न जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर जो जहां रह रहा है वहां पर मंदिर में चरण वंदन कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल मंदिर दर्शन कर रहे हैं, ममता कलकत्ता में मंदिर दर्शन कर रही हैं, सब आयोजन कर रहे हैं। सद्बुद्धि आएगी, आज नहीं थोड़ी देर से आएगी। बोलो जय श्री राम। तिवारी जी, आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव करीब है, आप भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार लखनऊ कैंट से विधायक रहे हैं, 24 का क्या माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की
देश में मोदी जी का नेतृत्व, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें, देश में 400 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को राम मैं तो बताया ही, साथ ही साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें और देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ आकर्ष शुक्ला, R9।